तो आज के इस खास रिपोर्ट में हम आप सभी को बताने वाले हैं स्टार प्लस के सीरियल रिश्ता क्या कहलाता है के बारे में। तो ये सीरियल टीवी की दुनिया में काफ़ी हिट रहा है और इस सीरियल को दर्शक काफ़ी पसंद भी करते हैं और इस सीरियल के द्वारा कई टीवी एक्टर्स ने बुलंदियों को भी छुआ है और काफ़ी ज़्यादा पॉपुलरिटी भी हासिल की है। और उसी में से एक नाम है शिवांगी जोशी का, जो कि इस सीरियल में नायरा का किरदार निभा रही हैं। और इस किरदार को निभाने के बाद शिवांगी को जो पॉपुलरिटी मिली है उन सब से वो आप सभी तो वाकिफ ही होंगे। तो वहीं क्या आप सभी जानते हैं कि शिवांगी जोशी से पहले नायरा बनने का मौका टेलीविजन की 5 मशहूर अभिनेत्रियों को भी मिला था, पर किसी न किसी वजह से उन्होंने इस रोल को निभाने से मना कर दिया। तो आइए जानते हैं कौन है वो अभिनेत्रियाँ। नंबर 5, टीना दत्ता। नायरा बनने का मौका टीना दत्ता को भी मिला था, लेकिन टीना दत्ता उस वक्त सेकंड लीड रोल नहीं करना चाहती थी, इसलिए उन्होंने इस सीरियल में नायरा बनने से मना कर दिया था। नंबर 4, सनाया ईरानी। सनाया को भी नायरा बनने का मौका मिला था, लेकिन सनाया इस रोल में फिट नहीं बैठी, इसलिए उन्होंने इस किरदार को निभाने से मना कर दिया। नंबर 3, इशिता दत्ता। इशिता को भी राजन शाही ने नायरा का रोल ऑफर किया था, पर ना जाने क्यों इशिता ने नायरा का रोल करने से मना कर दिया था। नंबर 2, रूपल त्यागी। रूपल को भी नायरा बनने का मौका मिला था, रूपल ने इस किरदार को अपनी दिलचस्पी भी दिखाई थी, लेकिन रूपल का वेट ज़्यादा होने के कारण इनको भी इस किरदार को निभाने से पहले ही रिजेक्ट करना पड़ा। नंबर 1, दिगांगना सूर्यवंशी। इनको भी नायरा बनने का सुनहरा मौका मिला था, लेकिन दिगांगना सूर्यवंशी टेलीविज़न की दुनिया से कुछ वक्त के लिए दूर रहना चाहती थी, इसलिए इन्होंने भी इस किरदार को निभाने से मना कर दिया था। और अंत में ये मौका शिवांगी जोशी को मिल गया और शिवांगी ने भी इस मौके को जाने नहीं दिया और नायरा बनकर दर्शकों को भी खूब इंटरटेन कर रही हैं। तो अब आप सभी शिवांगी जोशी को नायरा के रूप में देखकर कैसा लगता है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।